नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो Realme ने आज अपना टोटल 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। 8,500 रुपए से लेकर 17,000 रुपए तक टोटल 6 अलग अलग वेरियंट आज लॉन्च हुआ है। और उसमें से जो सबसे लोअर वेरियंट उसका नाम है Realme Narzo 20A, जिसका प्राइस है 8,500 रुपए और 9,500 रुपए। तो 8,500 रुपए पे Xiaomi की तरफ से भी एक और स्मार्टफोन अवेलेबल है, जिसका नाम है Redmi 9i, जिसे हम Flipkart से हम खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे, अगर आपका बजट है एग्जैक्टली 8,500 रुपए, तो आपके लिए कौन सा सबसे बढ़िया होगा, Realme Narzo 20A या फिर Redmi 9i। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज के वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का थिकनेस और वेट को देख के। Narzo 20A का थिकनेस है 8.9 मिलीमीटर और इसका वेट है 195 ग्राम, और Redmi 9i का थिकनेस है 9 मिलीमीटर और इसका वेट है 194 ग्राम। अगर इसके डिस्प्ले की बारे में बात करें, तो Narzo 20A पे हमें मिलता है 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89.8% और इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास सीकर प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मुझे जितना पता है, Narzo 20A पे आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, लेकिन अगर आप Narzo 20A का प्रोडक्ट पेज देखेंगे तो उधर साफ साफ लिखा है कि इसमें आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू Realme का ओरिजिनल वेबसाइट मुझे यहाँ पर फुल HD प्लस डिस्प्ले लिखना पड़ रहा है। और अगर हम Redmi 9i की बात करें, तो इसमें भी मिलता है 6.53 इंच HD प्लस TFT डिस्प्ले। देखिए, मैं जो यहाँ पर TFT डिस्प्ले लिख रहा हूँ, ये दरअसल मुझे Xiaomi के ओरिजिनल वेबसाइट से मिला है। इसलिए बाद में बिल्कुल भी मत कहना कि मैंने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। सभी के सभी इन्फॉर्मेशन मुझे Xiaomi और Realme के ओरिजिनल वेबसाइट से ही मिला है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87% और इसमें गोरिल्ला ग्लास है या फिर कोई ग्लास प्रोटेक्शन है या फिर नहीं, उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो Narzo 20A में मिलता है स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, जो कि 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और जिसका Antutu स्कोर है ऑलमोस्ट 176,000 के आसपास। और Redmi 9i पे हमें मिलता है Helio G25 प्रोसेसर, जिसका आर्किटेक्चर है 12 नैनोमीटर, जिसका Antutu स्कोर है 1 लाख के आसपास। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में Narzo 20 ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया होगा। अगर हम कैमरे के बारे में बात करें, Narzo 20 में मिलता है 12 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। Redmi 9i का में मिलता है 13 मेगापिक्सल का सिंगल बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगर दोनों के रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें, Narzo 20 टोटल 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, 3 32 GB और 4 64 GB, और Redmi 9i टोटल 2 वेरिएंट पे अवेलेबल है, 464 और 4 120 GB। दोनों का ही जो रैम का क्वालिटी वो है LPDDR4X रैम और दोनों का ही जो मेमोरी क्वालिटी वो है eMMC 5.1। अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, तो दोनों पे ही हमें एग्जैक्टली सेम 5000mAh बैटरी मिलता है। दोनों पे ही हमें बॉक्स के अंदर 10W का फास्ट चार्ज मिलता है और दोनों स्मार्टफोन में हमें पुराने जनरेशन का microUSB पोर्ट मिलता है। और अगर हम दोनों स्मार्टफोन के कुछ और एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, तो दोनों पे ही हमें 3.5mm जैक मिलता है, दोनों पे ही हमें 2+1 सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, मतलब 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड हम एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। Narzo 20A पे हमें पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन Redmi 9i पे हमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। Narzo 20A में आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन Redmi 9i पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। अगर दोनों के प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो Narzo 20A का 3GB 32GB का प्राइस है 8,500 रुपए और 464 का प्राइस है 9,500 रुपए, और Redmi 9i का 464 का प्राइस है 8,300 रुपए और 4 120GB का प्राइस है 9,300 रुपए। तो आप बढ़िए इस वीडियो के कंक्लूजन की। ये वीडियो पूरा यहाँ तक देखने के बाद, अगर आपको अब भी लग रहा है कि 8,500 में कौन सा ले, Realme या फिर Xiaomi, तो नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो 8,500 रुपए अगर आपका बजट है, तो इस प्राइस रेंज में अगर आप Narzo के साथ जाते, तो आपको मिलेगा बेटर डिस्प्ले, मतलब फुल HD प्लस डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब एटलीस्ट कोई गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा, बेटर CPU मतलब स्नैपड्रैगन 665 मिलेगा, बेटर कैमरा मतलब ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, और सबसे मेन चीज फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप 8,500 रुपए पे Redmi 9i के साथ जाते, तो आपको टोटल 3 एडवांटेज मिलेगा। पहला, ज्यादा रैम मिलेगा, मतलब बस 1GB ज्यादा रैम मिलेगा। दूसरा, ज्यादा मेमोरी मिलेगा, मतलब 32GB एक्स्ट्रा मेमोरी मिलेगा, और ब्लूटूथ 5.0 मिलेगा। तो इस वीडियो के आखिर में हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, अगर आपका बजट है आज के दिन में 8,500 रुपए और अगर आप अभी कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहते, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा Narzo 20A, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि 8,500 रुपए में Narzo 20A से बेटर कोई ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसीलिए Narzo 20A 8,500 में सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए।
तो आज का वीडियो इतना घूमी थे, आज के छोटा सा कॉम्पिटिशन आपको पसंद होगा। फ्यूचर में अगर वैसे और भी कॉम्पिटिशन देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।